हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ पे रखी है मूली और इसको मैंने ना काट लिया है। जो इनके पत्ते थे वो मैंने अलग कर दिए, पत्ते ना ख़राब हो गए थे, तो इसकी ना हम सब्जी नहीं बनाएंगे। पत्ते मैंने निकाल दिए हैं, भैंस को डाल देंगे या फेंक देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे पराठे की तैयारी। और यहाँ पे ना कद्दूकस भी हम ले आई ऊपर ही छत पे। आज ना बहुत अच्छा मौसम है, बारिश ना 3:30 बजे तक हुई थी, खूब पूरा दिन बारिश हुई है। कल भी बारिश हुई थी, तो हमारे यहाँ पे अभी अभी धूप निकली है, बहुत हल्की हल्की सी अभी भी धूप है इधर। और मैं ना मूली की तैयारी कर ले रही हूँ। उधर भगोने में ले आई हूँ मैं पानी और यहाँ पे ही साफ करूँगी छत पर ही। तो मूली को मैंने छील लिया है और ये देखिए साफ पानी से इसको धुल भी लिया है। और अब मैं कर ले रही हूँ इसको कद्दूकस। कद्दूकस भी मैंने धो लिया है। और हमारे यहाँ का मौसम ना बहुत ही अच्छा है, ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, वाह। तो चलते हैं, मूली को कर लेती है कद्दूकस। तो मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। और अब इसको रख दे रही जाके कुकर में उबलने के लिए। और ये कचड़ा ना इस टोकरी में भर ले रही हूँ। तो मूली को रखने जा रही हूँ मैं उबलने के लिए। और हमारे यहाँ पे ना बच्चे नहीं खाते हैं कच्ची मूली के पराठे, तो मुझे उबालनी पड़ती है। तो मैं इसको ना उबाल के और इसका पानी निकाल के फिर उसके बाद में कढ़ाई में इसको फ्राई करेंगे सब मसाले डाल के, यानी कि हींग, जीरा, मिर्च, नमक जो भी है, हल्दी वगैरह नहीं डालेंगे और ना ही गरम मसाला डालेंगे। और किसी किसी के यहाँ पर ना सभी लोग कच्ची मूली के पराठे खा लेते हैं, तो किसी किसी के यहाँ पे ना कच्ची मूली फ्राई कर लेते हैं और ऐसे ही पराठे बना लेते हैं फ्राई करके। हमारे यहाँ पे ना बच्चे नहीं खाते, इस वजह से मुझे भी उबालनी पड़ती है। तो हम ना इसे उबालने रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मूली मैंने उबाल ली है और ये देखिए कितनी अच्छी से उबल रही है। और इधर गैस पर रख दी है कढ़ाई, इसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। और यहाँ पे मिर्ची भी मैंने चॉप कर ली है, प्याज भी, हरी धनिया भी। और हमारे यहाँ पे ना हींग ख़त्म हो गई थी तो मैंने हींग भी मंगाई है। तो पहले हम डालेंगे हींग जीरा। अगर आपका मन हो प्याज खाने का तो आप डाल सकते हो, नहीं मन है तो मत डालिएगा। तो तेल गरम हो गया है, हींग जीरा डाल दिया है मैंने और हम डाल दे रही हूँ वो प्याज। मैं ना भूल गई थी मूली पहले डालने लगी थी, तो प्याज डाल दिया है। प्याज अच्छे से भूल गई है और आप डाल दीजिए। अगर लहसुन आपको खाना पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे और इधर हमारी मसाला डालने में ना मिर्च ख़त्म हो गई है, तो मिर्च भी डाल ले रही हूँ। लाल मिर्च, हरी मिर्च मैंने डाल दी है और धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ नमक।
खूब अच्छे से इसको भूनना है। सारे मसाले भी अच्छे से मिल जाएंगे और बिरयानी भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। उसके बाद में हम डालेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे ना मैंने मूली फ्राई कर ली है और हरा धनिया भी डाल दिया है, और इधर मैंने लगा लिया है तब तक आटा। और यह ना बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाया है मैंने आटे का, और आटे में ना मैंने नमक और हींग जीरा भी डाला है, और अगर आप लोगों को पसंद है तो हींग जीरा भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने ना शाम को ही मूली उबाल के रख दी थी और सुबह मैंने फ्राई की है। और यहाँ पे ना मैं फटाफट से बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का ना 7:30 बजे की इनकी बस आ जाती है, तो टाइम उतना ही है, आगे ना पीछे हो सकता है। तो इस वजह से मैंने शाम को ही उबाल के रख दी थी निचोड़ के, और सुबह मैंने फ्राई करके और इनके लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से इनके लिए मैं पराठे सेक दे रही हूँ। कितना भी जल्दी करो लेकिन सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। ये पराठे है, भिंडी की सब्जी है, और ये मैं ना शाम को ही तैयार करके रख देती हूँ काट के। तो सुबह तुरंत जैसे ही उठती हूँ तो वैसे ही मैं बच्चों के लिए बनाने का नंबर लगा देती हूँ, और एक तरफ चाय बनाती हूँ और भी काम अपने करती आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना बच्चों के पराठे सेक दिए हैं स्कूल के लिए, और मन होगा बच्चों का खाने का तो खा के भी जा सकते हैं गर्मा गर्म पराठे। तो ना मैंने ना रिफाइंड ऑयल में इनको सेका था, सरसों के तेल में नहीं सेकते हैं हम पराठे, केवल सरसों के तेल में ना मैं आलू के पराठे सेकती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, और फैला के मैंने इसलिए रखे थे जिससे ये ठंडे हो जाएं तो बच्चों के टिफ़िन में हम रख सकूं। और हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का सुबह सुबह मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में। और सुबह हो चुकी है दोस्तों, तो मैंने ना मूली के पराठे बनाए हैं खाने में और बच्चों के लंच के लिए। तो कल ना मैंने शाम को ही तैयार कर ली थी मूली। तो आज हम क्या क्या काम करने वाले हैं तो वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। और हमारे यहाँ पे ना सभी लोगों की तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैं ना खाने में मूंग की दाल बनाएंगे, बिल्कुल सादा और सिंपल वाली। तो पहले हम पराठे सेक के रख देती हूँ, और उसके बाद हम बनाएंगे। और मूली के पराठे ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, तो आप लोग भी बनाइए और खाइए, और कमेंट में ज़रूर बताइए ये खाने में कैसे लगते हैं। और बच्चों का ना बहुत दिनों से मन था कि मुझे मूली के पराठे ले जाना है, मुझे मूली के पराठे ले जाना है। तो थोड़ी सी मूली बची हुई है और थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, तो मैं इनके लिए भी सेक दे रही हूँ क्योंकि ये भी खा के अभी जाएंगे। तो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है तो मैं और थोड़ी सी मूली, तो मैं ना इसको जल्दी से सेक दे रही हूँ, और उसके बाद में मैं रखूँगी दाल बनने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी लोगों की तबीयत ख़राब चल रही है, तो सभी ना ऐसे ही हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं। तो मैं मूंग की दाल बनाएंगे और रोटियाँ बनाएंगे, चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि चावल कल बनाए थे ना, तो इस वजह से चावल नहीं बनाएंगे हम। तो आज ना मेरे लिए बहुत सारा काम है क्योंकि मैंने 2 दिन से बिल्कुल भी कपड़े वगैरह नहीं धुले हैं, तबीयत ही नहीं ठीक रहती थी और ऐसे हल्के फुल्के ऐसे ही काम करते थे, मन तो लगता ही नहीं था काम करने में। तो कर लेती हूँ सारे काम, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। और ना आज हम क्या क्या काम करने वाले हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं, लग जाती हूँ। तो सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, यानी कि खाना वगैरह बना के। और ये देखिए मैंने किचन कितनी
अच्छी तरह से चमका दी है और सारे काम कर चुकी हूँ, यानी कि झाड़ू पोछा बर्तन। और ये देखिए कितना अच्छा फर्श चमक रहा है आज हमारा, मैंने ना खूब रगड़ के पोछा लगाया है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े में है कुछ हमारे पापा की ड्रेसें हैं धुलने के लिए, और बच्चों के हैं सोफा के कवर हैं और एक बेडशीट है। तो मैं कपड़े धुलने के बाद ही आप लोगों से मिलूँगी, तो चलती हूँ छत पर। तो सारे काम काज से मैं बिल्कुल फुर्सत हो चुकी हूँ और मैंने कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं। और आज ना हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम है, तो चलते हैं आप लोगों को मौसम दिखाते हैं। और यानी कि बारिश भी नहीं होगी और एकदम ठंडा मौसम है, तो चलते हैं बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो कपड़े वगैरह मैंने धुल के डाल दिए थे और ये देखिए दो रस्सियाँ भर गई हैं। और हमारे यहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, ये देखिए कितना सुपर मौसम है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। बहुत ही अच्छा है, और हमारे पौधे तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, रंग बिरंगे फूल आए हैं आज तो हमारे गमलों में। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही कर रही हूँ एंड। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।